مثل الشخصيه الى جناب الامام اغا منتظر بهذه الافكار ذكر محمد وقال محمد. सारे हमारे बनाओ है लड़ी
سے دست گزارشات پیش کی جائیں گی بغیر اقدامات آیا کیے توجیحات درکار ہیں. ارشاد خداوندی ہے محمد رسول اللہ محمد. سید اتنی بڑی آیت میں پڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی جو ہے اس پہ گزارشات کرتا رہوں تو شاید جو ہے بدل پورا ان کا پوری توجہ رہے. محمد رسول اللہ پاکستان میں آپ دیکھیے پشاور سے لے کر کراچی تک عجیب طوفان بدتمیزی کی عجیب طوفان. کہیں سے کوئی اٹھ کے بولتا ہے آل محمد کی مجلس میں نہ جاؤ, کہیں سے کوئی کہتا ہے یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حالات حضرہ آپ چونکہ امر سندھو والے لاہور والے میری اوقات سے آپ زیادہ پڑھے لکھے, میری سینس سے آپ زیادہ پڑھے لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان یہ اسلامی آنے کے بعد حسب سابق مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. محمد رسول اللہ آواز توحید آئی, محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں
अजीब अल्फाज है कुरान हकीम के, अब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, फलसीना माहु और जो उसके साथ है वो काफिरों पर सख्त है। बहुत याद चाहिए बदरे मौला, बहुत आगे तो इतना सब ऐसा मतलब फिक्र का बता लेंगे इस देंगे आयत न सुनो अपने अपने मसलक के खतीब से। ये आले मोहम्मद का दरबार है, इधर अकल तकसीम की जाती है। शियत का मतलब क्या आज पे मबनी मजहब का नाम नहीं है, शियत हकायक का दीन है। अंधेरे में टांग टूंगा मारने वाला फिरका आले मोहम्मद का नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो उसके साथ हैं वो काफिरों पे सख्त हैं, जो साथ हैं, जो साथ हैं, जो साथ हैं वो काफिरों पे सख्त हैं। बड़ा मजा आ रहा है, आपकी खामोशी मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो साथ है, जो साथ है, जो साथ है, जो साथ है वो काफिरों पर सख्त है, सख्त है, जो साथ है। आपको इंपोर्टेंसी का भी अंदाजा ही नहीं, आप लाइट ले रहे हैं तो नजरे मोहब्बत हो जाते। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो साथ है वो काफिरों पर सख्त है, काफिरों पर सख्त है, वो काफिरों पर सख्त है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो साथ है वो काफिरों पे सख्त है, जो साथ है वो काफिरों पे सख्त है। साथ रहने के साथ बावजूद काफिरों पे सख्त है, अब जिस पे काफिर सख्त हो जाए काफिरों पे सख्त है, काफिरों पे सख्त है। गाली देना मेरे मुसलमान भाई आसान है, जिसको देखे वो कहेगा सीए काफर, जो जिसके पास होता है वो वही देता है। मेरे पढ़े लिखे सामने हमने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, क्यों? मेरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है गाली को गाली क्या देनी। दुनिया में हो ही गाली, उसे गाली क्यों दे? गालियां देने के लिए थोड़ी जगह होंगे। नहीं, आपकी खामोशी मुझे फिक्र कहने पे मजबूर कर रही है। जुमले मेरे होते मदान दुआ लेने का अधिकार था मेरे नहीं, तारीख इस्लाम का अनमोल और रोशन वाकया हुज्जत खुदा इमाम दुलम सरकार मौला मुज्तबा शहर की गली में सवारी पे सवार होते आ रहे थे। मौला सवारी पे सवार होते आ रहे थे, सामने अरबी बत्तू आए, उसने आके हुज्जत खुदा की सवारी का रास्ता रोका, रास्ता
गुस्ताखी करना शुरू की। भरे बाजार में ये गुस्ताखी करता गया, इसकी आवाज सुन के मजमा जमा होता गया, ये गुस्ताखी करता गया, रश बढ़ता गया, ये गुस्ताखी करता गया, हजूम बढ़ता गया, ये गुस्ताखी बदतमीजी करता गया, हजूम बढ़ता गया। जब ये गुस्ताखी कर कर करके चुप हो गया, अब बतूल का नफीस मिजाज बेटा जीन से जमीन पे आया, अरबी बंदों के सामने आके कहा, देख जो तेरा शर्फ था तू कह चुका, कैसा तेरा हसब था तूने कह दिया, कैसी तेरा अकल था तूने कह दिया, अब मेरी बारी है। मैं बतूल का नफीस बेटा तुमसे पूछता हूँ, तू बता अगर तू भूखा है सवाल किया गया, हो सकता है इसके बाद नफ्स कहने की नौबत ही ना आए।
किताबत बेचना यकीन नहीं है जितना आपकी हसीन अकीदतों पे। छठे इमाम से शायद ने पूछा, मौला दुनिया में जब भी शोर मनाया जाता है तो वाक्य के बाद मनाया जाता है, करबला हुई है 10 मुहर्रम को, ये आपके शिया यकम मुहर्रम से काले कपड़े क्यों पहनते हैं? करी वास्ते नहीं, मासूम निकल वास्ते आए करे आगे। बोला वाक्य के बाद शोर होता है, वाक्य हो जाए फिर शोर मनाया जाता है। मौला के पहले आशूरा तो करबला में हुई 10 मुहर्रम को, कत्ल शब्बीर हुआ 10 मुहर्रम को, ये शोर आपके शिया यकम मुहर्रम को क्यों मनाते हैं? हुज्जत खुदा के चेहरे पे टिप टिप आंसू गिरने लगे। कहा साहिल मैं तुझे कैसे बताऊं, इधर मुहर्रम का चांद आता है, अल्लाह के मलाइका अर्श के ऊपर शब्बीर का जख्मे खुलता फैला देते हैं। उस कुर्ते को मैं और हमारे शिया इस बसीरत से देखते हैं, हमें यकम मुहर्रम से यूं ही लगने लगता है लहले का मेहमान। आलमी मोहलिक बाबा ने पूरी दुनिया को परेशान किया, अल्लाहदारों के चेहरे मुतमईन रहे। इस अंदाज में सुनिए निकले मजलूम, पूरी दुनिया आपको देख के रश करे। पूरा साल होता है हंसने के लिए, हंसाने के लिए। इस आशूरे में जब आप घरों से निकले, दूसरे लोग भी आपका चेहरा देख के कहें शब्बीर का मातमदार जा रहा है। शहर तहरान में एक शख्स रहता था, उसका नाम था कासिम, ठेला लगाया करता था गली बाजार में, गोश्त बेचना उसका कारोबार था। गोश्त के साथ उसमें दो एक बातें थी जो बड़ी नागवार थी। पहली बात, कभी कभार शराब पीता था। दूसरी बात, गुस्से वाला बहुत था, कद बड़ा, कदावर दामत, कभी गुस्सा गुस्सा बढ़ाता था, हर वक्त खंजर अपनी जेब में रखता। जब भी कोई उससे बात करता गुस्से में, खंजर से उस पर हमला करता। बंदे 2, 4, 10, 20 जितने होते उनको जख्मी करता। बड़ी खास बजाय उनसे खुला मेरे ये काम मरम में वाक्य पड़े। कासिम नाम था उसका, गोश्त बेचने की वजह से पर्शिया वाले फारसी ईरान वाले उसे कासिम जिगरची कहते थे, जिगरची। एक उसमें बस था कि जब जिलहज की आखिरी अय्याम आते ना, वो खंजर भी उतार के रख देता, शराब भी छोड़ देता, काला लिबास से बेतर करता, सीधा शब्बीर के अल्लाह खाने में चला जाता। अल्लाह खाने में जाके जितनी उसकी कामत थी वो अपने कद से ज्यादा काम करता। ईरान में बदल अपने ज्यारत के दौरान देखे ताजिए बड़े होते, हमारे यहाँ पे आलम ताजिया छोटा होता है, उनके वहां पे कदीम है रिवाज, ताजिए उनके बड़े वजनी मजबूत भारी मरकम वो ताजिया उठाया करता था, जुलूस के आगे 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 जुलूस के ताजिया उठा। 5,000 लोग उस आशूरा के जुलूस में शिरकत करते थे। शहर तहान की बहल गांव का नाम भी बकरी दौलतपुर लिखा है, अलामा मेहदी का इशारा।
आहिस्ता आहिस्ता हवा बदली, जुलूस में मोमिनीन की तादाद कम होना शुरू हो गई। जहां पे 5,000 होते थे 4,000 रह गए, 4 के 3 हुए, 3 के 2 हुए, 2 पे 1,000 बचा। जब 200 बंदा बच गया तो जो अलीमन के जिम्मेदार लोग थे उनको परेशानी। पहले इतना रश होता था, इतना मजमा, बंदे 200 बचे हैं, कहां 5,000, कहां 200 का जुलूस। अजमन के जिम्मेदार लोगों ने सोचा क्यों ना लोगों से पूछा जाए, वजह क्या है। लोगों से सवाल किया, मोमिनीन से, आप वफादारी में नहीं आते, जुलूस वतनदारी में शिरकत नहीं करते। मोमिनीन ने कहा कैसे आए जबकि आपके जुलूस का आलम बरदार एक खंजर वाला, एक जख्मी करने वाला, शराब पीने वाला, हम जुलूस में क्यों आए। अजमन के लोगों को समझ आई, वापस अल्लाह खाने में बैठ के उन सब ने मीटिंग की, क्या किया जाए। एक साहब बोले ऐसा करिए, ये जो कासिम चिगरची है ना, इसको रोक लेते हैं, तो अल्लाहदारी में ना आना। सात लोगों का वफद बना, कासिम के घर पे चले गए, दक्कुल भाव किया। कासिम ने सात मोमिन अपने दरवाजे पे देखे, कंधा पेशानी से उसका इस्तकबाल अंदर ले आया, ले आकर के बैठे। कासिम ने कहा मैं शुक्रगुजार हूँ अदादार, मेरी चौपड़ी पे आए। वो सातों में बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग थे, सफेद रीश, बाल सफेद, रीश सफेद। उन्होंने कहा कासिम आपसे सवाल करना चाहते हैं। कासिम कहते बिस्मिल्लाह पूछिए। वो कहते हैं हुसैन को जानते हो। कहा किस हुसैन की बात कर रहे हो। वो बुजुर्ग कहते हैं हुसैन जो दिल बंद जहरा, जो बतूल की जान, कहता मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, नाम है हुसैन इब्ने अली। इतने साल मैंने नौकरी की है अदा खाने में, उसके बावजूद ये आपका सवाल मुझे बेतुका लग रहा है कि हुसैन को जानते हो या नहीं जानते। कहते हुसैन से कितना प्यार करते हो। सर झुका के कहते अपनी जान से ज्यादा, अपने नफ्स से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा। कहते हुसैन के लिए जो भी मुमकिन हो कर पाओगे। कहते जान दे के भी। कहते तुम जानते हो आशूरा को हुसैन का जुलूस बरामद होता है। कहते जानता हूं। कहते तुम क्या चाहते हो कि हुसैन का जुलूस बड़ा हो या छोटा। सर झुका के कासिम ने अजीब जुमला कहा, रोने के लिए लफ्ज यही काफी है। तुम ये अमर सिद्धुआने में वक्त जाया नहीं कर रहे हो, ये मिंबर रसूल है, एक लम्हे की इंपॉर्टेंस ही कम पूरा अंदाज है। खास वजह थी जिसके लिए आपको मैं आम आदा गुनाह नहीं करना चाहता। हुसैन इब्ने अली की करीमी पर ध्यान करिए, मैं ध्यान देना होगा। उसने कहा हुसैन का जुलूस कैसा होना चाहिए। कासिम कहता है अगर हुसैन अजीम है जुलूस भी अजीम हो, कायद जो अजीम है निशान भी अजीम। बुजुर्ग बोले कासिम एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी वजह से अदादारी में खलल पड़ता हो तो। कासिम कहता है कि उस वजह को दूर करना चाहिए, जो भी वजह है उसे खत्म करना चाहिए रुकावट, ताकि हुसैन के जुलूस में कोई कमी न रह जाए। बुजुर्ग सोच के कहते हैं कासिम ये बता अगर उस रुकावट का मूजिब, उसकी वजह, उसका सबब कोई फर्द वाहिद खास हो। अब कासिम को शक हुआ, वो कहते हैं आप मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं देख
तू जानता है तेरा किरदार क्या है, तू ताजिया उठाता है, ताजिया उठाने की वजह से लोग अब इमाम बाड़े में आना पसंद नहीं करते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू कदर जाया? कासिम ने अपना हाथ उठाया, कहते खामोश, मैं समझ गया हूँ आप कहना क्या चाहते हैं, आप चले जाइए। जैसा हुसैन अजीम है उसका जिक्र अजीम, उसी अजमत से उसका जलूस निकलेगा, मैं नहीं आऊंगा। आपने जो रोका है मैं नहीं आता, आप जाइए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत मौसूम नहीं होती। यकम मुहर्रम की रात आई, पूरे शहर दौलतपुर के लोग अल्लाह खान ने रुख करने लगे। कासिम जिगरची की बीवी बच्चे पास आए, कहने लगे बाबा चले इमाम बारगाह, सर झुका के कहता है तुम चलो मैं लाने तक आता हूं। अभी मैं ताना नहीं कर रहा, वादा कर रहा, हर अजादार को जहां जहां तक स्पीकर पे आवाज जा रही है, माशा के मैदान में भी लफ्ज याद आया आपकी टाह निकल जाएगी, तो मैं वादा करता हूँ आप चले मैं लाने तक बार बार गाह में आता हूँ। बीवी बच्चे चले गए, ये घर में तनहा रह गया। इसने संदूक खोला, घर से काला कपड़े निकाले, जितने कपड़े थे ना इसके घर में काले वो निकाले, कपड़े निकाल के, ईरान में रिवाज है, हमारे यहाँ पे कम है, ईरान में रिवाज है हर घर में तहखाना बनाया जाता है गर्मी की तेजी से बचने के लिए। तहखाने के कमरे में उतरा, उतर कर इसने चारों तरफ कमरे के स्याह कपड़ा लगा दिया। स्याह कपड़ा लगा के कमरे के मस्त में बैठ के सर झुका के कहता है सच्ची माँ का सच्चा बेटा और मेरा मजदूम इमाम, मैं इतना बदकिरदार हूँ, मुझे मोमिनीन ने इमाम बारगाह में आने से रोक दिया है, मेरे बीवी बच्चे तुझे पुरसा देने चले गए हैं, तो उनका पुरसा कबूल करना, मैं जानू ये बन इमाम बड़ा जाने, मैंने अपने घर में अपना अल्लाह खाना बनाया है, हो सके तो मुझे गुनहगार का पुरसा वसूल कर। पूरी रात के बाद करता रहा, गुजर गई पहली रात, शबे दुगुम सुगुम चारों इबला जी आजा मैं महंगी दानिश पर लिखते हैं कि मेरा जिगर कलेजे से फट गया ये लफ्ज लिखते हुए। वो कहते शबे पच्चू भाई रात गुजर गई सहार हुई, तो जो सात बंदे गए थे ना उनमें एक बंदा जागा सुबह, वो सारो कतार रो रहा था, रोते रोते दौड़ते दौड़ते वो दूसरे दोस्त के घर पे गया, जाके तकुल बात किया, वो जो दोस्त निकला ना तो सामने वाला भी रो रहा था। एक मिनट में मिंबर छोड़ने लगा, लम्हा फिक्रिया देके नौकर सलाम करना चाहता है आपके लिए, सामने वाला भी रोता हुआ था। उसने कहा क्या हुआ? का मुझे ख्वाब में हुसैन आए हैं। पहले से उसने पूछा तू क्यों रो रहा है? वो कहता है मेरे ख्वाब में भी हुसैन आया है। दोनों दोस्त मिलके तीसरे के घर गए, तीसरे को लिया तो कही गलत देखी, चौथे के घर गए, चौथे पांचवें छठे जब सातों जमा हो गए ना एक दूसरे से पूछते तुम रोते क्यों हो? सातों हिचकियों में दीवी थी सबकी, रो के कहते हैं हम सबके ख्वाब में हुसैन आया है, हुसैन मजलूम रो के कह रहा था तुम होते कौन हो मेरे आजादार के रोक के रहो, और तुम्हें पता नहीं वो मेरा आजादार मेरे गाड़ी का तालिया उठाने वाला। सातों बड़े फसूलता दिल के साथ मिले, मिल के आए कासिम जिगरची के दरवाजे पे, आके तक्कुल बाप करने चाहा, तक्कुल बाप करने से पहले देखा घर का दरवाजा खुला हुआ पाया, बच्चा कासिम का बाहर निकला, कहते बाबा किधर है? बच्चा कहते है हमारे घर में कयामत का समा है, तहखाने से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, हमारे बाबा के साथ अल्लाह जाने मंजर किया हुआ है, उसने दीवारों से अपना सर बार बार के खुद को जख्मी कर लिया है।
कासिम ने डा मारी, कासिम की डा निकल गई। और रो के कहता है शायद तहरा डालू, मैं कैसे पर्दा डालू। इधर शब्बीर के जख्मी हाथ बंधे थे, हाथ बांध के अकबर का बाबा मेरी मिन्नत भी कर रहा है। मिन्नत करने के बाद मेरे शब्बीर ने अजीब सवाल किया, अल्लाह करे मैं मर गया होता, शब्बीर का चेहरा ना देखा होता। शब्बीर रो के कहते थे कासिम, कासिम जब तू है मेरा मातमदार, फिर तू क्यों शराब पीता है, सहारा पीली कह रही थी मेरा सुहाग उतर गया, हर कोई रोता हुआ जल्दी भी काश में